डिंडौरी जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस जिले में हो रही अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त हो गई है। पुलिस ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विधानसभा निर्वाचन चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए जिले में हो रही अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में काड़ासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुरसा टोला चंदन घाट तिराहे में काड़ासराय पुलिस ने घेराबंदी कर एक बुलेरो वाहन सहित 26 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है और चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया मुखबिर की सूचना पर बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लगभग 9 लाख की कीमत की अवैध शराब पकड़ी। वाहन चालक पुलिस हिरासत में है, जिसे पूछताछ की जा रही है। हमारे द्वारा विगत रात्रि से सूचना थी कि अवैध शराब बुलेरो गाड़ी में लेकर आने वाले हैं। इस सूचना पर हमारे द्वारा सुरसा टोला तिरा चंदन घाट रोड पर 26 पेटी अवैध शराब, कुल 231 लीटर शराब जब्त की गई है। वर्तमान में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है और कुल जब्ती मसरू का 987,000 रुपये का है, जिसमें 164,000 की शराब है, शेष बुलेरो, मोबाइल व नकदी है। आरोपी एक गिरफ्तार है। इसके अलावा जो जो मदद में थे ठेकेदार व अन्य लोगों को भी कथन के आधार पर आरोपी बनाया गया है। डिंडौरी से राजेंद्र तंतवाई की रिपोर्ट।